हमारा जो पाठ है वो कौन सा चल रहा है? दैनिक जीवन में रसायन चल रहा है। अब उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हम जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको कहते हैं पीएच। जैसे ताप मापते हैं हम, है ना, तो ताप मापने के लिए क्या किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। भाई हमारा कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। उसी तरह से अमल एवं क्षारीयता को बताने के लिए कि भाई दिया गया पदार्थ अम्लीय है या दिया गया पदार्थ क्षारीय है या दिया गया पदार्थ उदासीन है, तो उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? एक स्केल यूज किया जाता है, एक माप यूज किया जाता है जिसको हम पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पीएच। तो पीएच किसको मापने के लिए यूज किया जाता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। ठीक है, तो ये जो पी और एच, ये ध्यान रखना, पी जो होता है वो स्मॉल लिखा जाता है, छोटे लेटर में लिखते हैं, और एच जो होता है वो कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जो पी जो है वो क्या है? एक जर्मन शब्द है। जो पी जो है वो आपका क्या है? एक जर्मन शब्द है, और इसको कहते हैं पुसांस। क्या कहते हैं? पुसांस कहते हैं, जिसका पुसांस का अर्थ है पावर। पी शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? पावर से बना हुआ है। पावर, पावर को हम और क्या कह सकते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर किसकी? हाइड्रोजन आयन की। एच का मतलब क्या है यहां पर? हाइड्रोजन आयन। तो पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक था 1909 के अंदर, एक वैज्ञानिक था सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया। ठीक है, और उसने ये क्या बताया? पीएच की परिभाषा दी। पीएच का ये बताया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम या लोग या लघु गणक, जिसको आप कह सकते हो लोगरिथम को, और क्या कह सकते हैं? लघु गणक कह सकते हैं हम। ठीक है, पीएच कहलाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक पीएच कहलाता है। तो ये आपने याद रखना पड़ेगा, पीएच इज इक्वल टू होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब मैंने क्या लगाया? नेगेटिव। और क्या है इसके अंदर? लघु गणक का मतलब लोग, और है क्या बेटा? एच प्लस। किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? एच प्लस के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग एच प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और हमको पता है कि एच प्लस जो आयन होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, क्योंकि एच प्लस का आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। वो वापस जल से अभिक्रिया कर लेता है। जब जल से अभिक्रिया करतेगा तो वो क्या बनेगा? क्योंकि हम पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, आर्हेनियस की जो सिद्धांत हमने अध्ययन किया था उसकी कमी में मैंने बताया था कि जो H प्लस है इसका आकार छोटा है, ये वापस से जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और किस रूप में रहता है? H3O प्लस के रूप में रहता है। तो pH को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस लो H3O पॉजिटिव। तो इस रूप में ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है? ये आपके सही है। दोनों हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब H प्लस आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसकी पीएच उतनी ही क्या होती है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो इसकी सांद्रता जितनी ज्यादा होगी इसका मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, और H प्लस के आयन की सांद्रता जितनी कम होगी, चूंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसका मान उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं उदासीन जो होता है, ये आपने ध्यान में रखना है बेटे, उदासीन जल जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। क्योंकि जल किससे मिलके बना होता है? जल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? एच और ओ एच माइनस से मिलके बना होता है। तो जल के अंदर इनकी जो सांद्रता है, किसकी? H प्लस और OH की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है, और वो इसके बराबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। A1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, इनकी सांद्रता कितनी होती है? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है?
1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अब जो पीएच का जो स्केल है या पीएच का जो मान होता है वो हमारा शुरू होता है किससे, जीरो से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। देखिए कहाँ से होता है मैं आपको बताता हूँ, और ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कहाँ से होता है। टोटल जो पीएच होती है वो कितनी होती है बेटा, 14 तक होती है, जीरो से लेके 14 तक, जीरो से लेके 14 तक होती है। कैसे होती है वो हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो मैं पीएच लिख रहा हूँ, ये हमारी होगी पीएच। पीएच कहाँ से शुरू होती है, जीरो से होती है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 क्या होती है अधिकतम पीएच कितनी होती है, न्यूनतम जीरो होती है और अधिकतम कितनी होती है, 14 होती है। अगर पीएच आपकी कितनी हो, जीरो से लेके 6.99 तक, कहां से कहां तक मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, अगर आपकी पीएच कितनी हो, जीरो से 6.99 तक अगर पीएच है तो वो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होगा। तो अगर आपसे पूछे कि अम्ल की पीएच कितनी है, तो जीरो से 7 से कम तक। जिस विलयन की पीएच 7 होती है, जिस विलयन की पीएच 7 होती है वो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। अब हमारी नेक्स्ट कौन सी बच गई, पीएच कौन सा बेटा, 7.1 से लेके 14 तक की जो पीएच है ना, इससे आगे वाली ये जो पीएच है वो क्या होता है, विलयन क्या होता है, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसको तीन भागों में बांटते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। अम्लीय कब होगा, जीरो से लेके 6.99 तक। अगर पीएच 7 आ जाती है आपकी तो उदासीन हो जाएगा। अगर 7.1 से लेके 14 तक आपकी क्या होती है, वो क्या होती है आपका, आपका क्षारीय होता है। अब उसमें भी बता दिया कि क्योंकि हमें पता है कि अम्ल दो तरह के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल होता है और एक क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। उसी तरह से क्षार भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक प्रबल क्षार होता है एक दुर्बल क्षार। तो उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा बांटा, बांट के ये बताया कि अगर आपकी पीएच, ठीक है, अगर हमारी जो पीएच है वो जीरो से लेकर 3 तक लगभग, जीरो से कितनी बेटा, जीरो से लगभग 3 तक है, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। और 3 से ऊपर लेके कहां तक, 6.99 तक, तो वो आपका क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। 7 आ गया उदासीन, 7.1 से लेके लगभग आपकी कितनी है बेटे, 11 तक, वो जो क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षार। और 11.1 से लेके 14 तक होगा वो आपका प्रबल क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबल क्षार कहलाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इस किसके बारे में, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होंगे, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया। तो जो भी दुर्बल अम्ल है उनकी जो पीएच क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी और 7 से कम होगी, ठीक है। अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। अगर जो भी आपका दुर्बल क्षार है उसकी क्या होगी, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो दुर्बल क्षार है, तो उसकी पीएच क्या होगी, 7.1 से लेके लगभग 11 तक होती है। जो प्रबल क्षार है उनकी क्या होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, इसके बीच में जो है कोई भी आपकी हो सकती है। अगर वो होगा तो वो आपका क्या होगा, प्रबल क्षार होगा, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं उसके अंदर ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। उदासीन, जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध जल की क्या होती है, उदासीन होती है, 7 होती है। आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, अगर आपसे पूछा तो कितनी होती है बेटा, 7 होती है शुद्ध जल की, ठीक है। जितने भी अम्ल है तो उनकी क्या होगी, 7 से कम होगी। जितने भी क्षार हैं उनकी क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं,
अगर आपसे एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये आया एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आया दिए गए HCl की pH ज्ञात करो यदि इसकी सांद्रता 1×10^-2 मोल प्रति लीटर है, लीटर है, ठीक है। हमको पता है कि HCl क्या है, आपका अम्ल है, अम्ल क्या देता है, H+ देता है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, इसकी pH ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि HCl आपका क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो ये जो सांद्रता दी हुई है, ये वाली जो आपकी, वो किसकी सांद्रता हो जाएगी, H+ की सांद्रता हो जाएगी, ठीक है। तो H+ की सांद्रता कितनी है, जो आपको दी हुई हो वहां पे वही लिखनी है, 1×10^-2 लिखना है। अब हमको पता है हमारा सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा ये है, pH = −log 1×10^-2, ठीक है। ये हो गया एक सूत्र, आपने याद रखना है कि अगर ये सूत्र है, एक फार्मूला होता है log A × B लिखा हो, क्या लिखा हो, log A × B, यानी कि दो मान दिए हो आपको, जैसे मैंने दो मान है ना, एक तो एक ये मान है और एक ये मान है, है ना, और दोनों क्या है, गुणा है, ये देखो ये गुणा है। हम इसको क्या मान लेते हैं, चलो मैंने इसको A माना और इसको क्या माना, B माना। तो इसको, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, log A + log B हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, log A + log B के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखे, चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर अगर ये माइनस होता, तो अगर ऐसा होता −log A × B, तो इसको क्या लिखते हैं, −log A − log B लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब हमारा pH क्या हो जाएगा, pH = लिख दीजिए −log 1, इसको लिखा, फिर −log 10^-2, दोनों को अलग अलग करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक दो और आपने याद रखने हैं सूत्र, क्या याद रखना है इसके अंदर, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद में रखना है इसको, याद रखना है, याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दो तीन मान है, ज़्यादा नहीं है। लोग एक का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लोग दो का मान जो होता है ये होता है 0.3010। लोग तीन का जो मान होता है 0.4771 होता है, ठीक है। और लोग 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। इसी तरह से लोग अगर 100 आ गया तो मान 2 होगा, लोग 1000 आ गया तो मान 3 होगा, जितने 0 होंगे उतने ही उसका मान आगे आ जाता है। तो ये एक दो मान आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो करें इसको सॉल्व, ये लीजिए pH = ये लोग 1 है, लोग 1 का मान क्या है, 0 है, तो ये हमारा हो गया 0। माइनस लगाए ना लगाए एक ही बात है, फिर आपका माइनस। अब एक सूत्र और है इसके अंदर, ये थोड़ा सा और आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा आपको, देखिए इसके अंदर हमें ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है log जैसे 10^-2 दिया हुआ है, जब भी ये हम इसकी गणना करते हैं तो जो पावर होती है, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, −2 क्या बन गया बेटा, log बेस 10 बन गया, ठीक है। तो ये जो माइनस की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका माइनस है और ये भी माइनस है ना, −×−, क्या होता है, अगर आपने गणित में पढ़ा होगा, −×−, किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है ना। तो ये आपका क्या होगा, −2, ये आगे आ गया, ये यहाँ आ गया, तो −2×−, तो ये क्या बन गया, प्लस का बन गया, ठीक है। और ये 2 आगे आ गया, और आगे क्या बना, log बेस 10 बन गया।
अब ये हमें पता है लोग बेस 10 किसके बराबर है, किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो हमारी पीएच बराबर 2+2 × ये किसके बराबर हो गया, ये एक के बराबर। तो पीएच हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। पीएच कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले रहा हूं। ये तो हो गया अगर आपको अमल दिया हुआ है, अगर कोई शहर दे दिया, ठीक है, क्या दिया बेटा, शहर दे दिया आपको कोई, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब क्योंकि हमारे आपको पता है सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र ये है माइनस लोग एच प्लस आइन, या इसको आपने ये लिखते हैं माइनस लोग एच थ्री ओ प्लस आइन, एक ही बात है, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए ये याद रखो आप, है ना, एच थ्री ओ प्लस लिखोगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ये याद रखिए। ये सूत्र आप कब यूज करेंगे, कब यूज करते हैं, जब आपको क्या दिया हो, अमल दिया हो, क्या दिया हो बेटा, अमल दिया हुआ हो, दिया हो, ठीक है, और उसकी पीएच हमें ज्ञात करनी है। अमल HCl दे दिया, HNO3 दे दिया, H2SO4 दे दिया, एसिटिक अमल दे दिया, फॉर्म में कोई भी अमल आपको दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र ये नहीं, यदि क्षार दिया हो, हमको पता है क्षार क्या देते हैं, क्षार क्या देते हैं, H प्लस तो नहीं देते, क्षार क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, है ना, तो क्षार दिया हो तो क्षार जो है क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, तब फिर pH कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे H प्लस है तो वो क्या ज्ञात करते हैं, हम pH ज्ञात करते हैं, अगर क्षार दिया हो तो हम pOH ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, pOH, पहले pOH ज्ञात करेंगे, pOH इज इक्वल टू वह होगा वही माइनस log OH माइनस, ठीक है, और उसके बाद आपने एक छोटा सा और सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है बेटा, सूत्र होता है ये pH प्लस pOH बराबर क्या होता है, 14 के बराबर होता है, ये सूत्र आपने याद रखना है, क्यों होता है 14 के बराबर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि H प्लस की सांद्रता उदासीन जल में कितनी होती है, 1×10⁻⁷ होती है, है ना, इसी तरह से OH माइनस की भी कितनी होती है, 1×10⁻⁷ होती है। अगर आप इसका pH ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, इसका pH ज्ञात करेंगे तो भी कितना आएगा, 7 आएगा, pOH इसका ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 और 7 कितने हो गए टोटल, कुल कितने हो गए, 14 के बराबर हो गए। तो ये सूत्र आपने याद रखना है, क्या करना है, आपने याद रखना है कि pH और pOH जो है वो किसके बराबर होते हैं, 14 के बराबर। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं सिंपल सा, क्वेश्चन ये है NaOH की pH ज्ञात करो यदि NaOH की सांद्रता 1×10⁻³ मोल प्रति लीटर है। जैसे ये दे दिया, हमें क्या ज्ञात करनी है, pH ज्ञात करनी है, लेकिन हमें आपने यहां देखना है कि भी ये H प्लस तो देता नहीं, ये आपका है क्या, सार है, क्षार है, तो जब क्षार है तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, pOH ज्ञात करेंगे, ध्यान में रखना, अगर अमल दिया है तो सीधा pH ज्ञात करेंगे, अगर आपका अमल दिया है तो वो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू 1×10⁻⁴ pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, ठीक है, अगर आपको क्षार दिया है तो पहले आप क्या ज्ञात करोगे, pOH ज्ञात करेंगे, तो ये जो सांद्रता दी गई है वो किसकी है, OH नेगेटिव की है, OH माइनस की है कितनी, 1×10⁻³ जो दी है वो यही लिख देते हैं, तो pH इज इक्वल टू क्या था, माइनस log OH माइनस, ठीक है, H प्लस की जगह पे OH माइनस आ जाएगा, तो माइनस log 1×10⁻³, तो इसको वही A×B वाला फार्मूला लगाओ, माइनस log 1 फिर माइनस log 10⁻³, तो ये तो हमारा log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, 0, ये जो आपकी है पावर आगे आ गई, पहले से माइनस था, इधर भी माइनस है, वो प्लस बन गया, 3 log 10 हो गया, तो log 10 किसके बराबर है, 0 प्लस 3 ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है,
तो POH बराबर कितना हुआ आपका, 3 के बराबर हो गया। अब एक सूत्र, जो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, ये वाला सूत्र लगाएंगे, PH प्लस POH इजिकल टू PH प्लस POH इजिकल टू 14। तो ये सूत्र आपने याद रखना है कि PH और POH जो है वो 14 के बराबर है। तो लगा दीजिए, हमें निकालना क्या है, PH प्लस POH इजिकल टू 14, हमें निकालना है PH प्लस POH आपको कितना दिया हुआ है, 3 बराबर 14। तो PH कितना हुआ, 14 माइनस 3, और PH बराबर आपका कितना हो गया, ये 11 हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, PH ज्ञात कर सकते हैं, अगर वो आपका क्या दिया हो, क्षार दिया हुआ हो। ठीक है, अगर क्षार दिया है तो पहले POH ज्ञात करनी है, अगर अम्ल दिया है तो पहले PH ज्ञात करनी है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बदल के मैं ले रहा हूं ये क्वेश्चन। चलो, H2SO4 की pH ज्ञात करो यदि H2SO4 की सांद्रता 2 × 10⁻²² है। ठीक है, कितनी है सांद्रता, 2 × 10⁻²। है तो मान लेते हैं हमारा H प्लस क्या है, H प्लस आपका ये, चलो HNO3 ले लेते हैं इसकी जगह पर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो H प्लस कितना है, 2 × 10⁻², क्योंकि HNO3 अमल है, अमल क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻²। सूत्र लिख दीजिए, इसमें pH वाला नहीं सूत्र लगाएंगे, pH वाला लगाना है। pH इजिकल टू हमारे पास क्या होता है, लॉग बेस 10 एच प्लस माइनस लॉग एच प्लस की जगह पे 2 × 10⁻²। तो ये वही ए इंटू बी हो गया, तो माइनस लॉग 2 लिखा, फिर माइनस लॉग 10⁻², अलग अलग करके लिख दिया। अब लॉग 2 का मान कितना है, वहां से माइनस का माइनस लगाया, लॉग 2 का मान कितना है, 0.3010। ये 2 आगे आ गया तो इसका मतलब ये प्लस बन गया 2, ये 2 आगे आ गया लॉग 10, तो लॉग माइनस 0.3010 प्लस 2, ये किसके बराबर है, वहां से देखो 1 के बराबर है, तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। तो हमारा pH इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करिए 2.0000.3010, तो ये आपका 0, ये 10 से ले लिया, ये आपका 10, 10 में से बन गया 9, ये भी 9, इधर था हमारा 9, 9 में से ये 6 और ये 1, तो हमारा सूत्र क्या गया, 1.6990। तो इसके आधार पर हम क्या है, pH को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, pH के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है।